अबू धाबी में शुक्रवार से टी20 लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मराठा अल्बियंस की टीम ने नॉर्दर्न वैरियर को 9 विकेट से हरा दिया। शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मैच के जरिए युवराज सिंह ने भी अपना टी20 डेब्यू किया। हालांकि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मैच में 6 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान वे सिर्फ 1 चौका ही लगा सके। मैच में मराठा का दूसरा विकेट गिरने के बाद युवराज बल्लेबाजी करने उतरे, आते ही उन्होंने आंद्रे रसेल की गेंद पर चौका लगाया। उसके बाद नुवान प्रदीप की अगली 4 गेंदों पर वे 2 रन ही बना सके। फिर प्रदीप के ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें क्रिस ग्रीन ने कैच कर लिया। इस वक्त मराठा का स्कोर 4.2 ओवर में 35-4 है।